व्यूअर्स, आज मुबीन एजू एंड वी लॉग की तरफ से हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है उसके लिए गेस्ट पेपर लेके आए हैं। चंद क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जिसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पोर्शन है 24 मार्क्स का वो जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। तो हर चैप्टर में से चंद एक क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन हमने बताने हैं आपको, उनको आपने तैयार करना है और उनको तैयार करने से आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, जो ऐसे टाइप पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 100% श्योर गेस्ट पेपर है केमिस्ट्री के वाले से, सेकंड ईयर के वाले से, और ये ALP स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। और 2021 का जो पेपर आपका होने वाला है 12th जुलाई को, उसके हवाले से है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 में से लिया गया है, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, हाउ डज इट वेरी इन अ ग्रुप एंड अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये इसके दो पोर्शन हैं जिनको आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 का जो सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय डाउन सेल, और साथ में आपने ये बताना है कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है, राइट डाउन द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, आल्सो एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरेक्स। चैप्टर नंबर 4 का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब ब्रिकलैंड एंड आइडन प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये चैप्टर नंबर 5 में से लिया गया है, राइट 4 पॉइंट्स विच शो द पेकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन फ्राम अदर हैलोजिन, के दूसरे हैलोजिन से आपने बताना है कि फ्लोरीन किस तरह डिफर करती है। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं। हमारा चैनल वीन एजू एंड वी लॉग सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा गैस भी आपको मिल सकें। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों को शेयर करें जो कि सेकेंड ईयर के पेपर देने वाले हैं, और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03006490480, जहाँ पर आप अपनी जो है वो डिमांड, जो आपकी फरमाइशें हैं, जो आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो बता सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन कोरिजन। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि चैप्टर नंबर 7 में से लिया गया है, व्हाट इज़ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेन एनी टू वेज इन विच क्रैकिंग इज़ कैरीड आउट। आठवां क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 7 में से है, व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी जो इथीन है उसके वाले से आपने बताना है। चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इस गैस पेपर का जो कि चैप्टर नंबर 8 में से लिया गया है, राइट द कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन अलोंग विद मैकेनिज्म। तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट है 9, उसका क्वेश्चन, उसमें से गैस पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये चंद क्वेश्चन आप करने से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि चैप्टर नंबर 9 में से लिया गया है, व्हाट आर फ्रेडलर क्राफ्ट्स रिएक्शंस, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन एंड एसिलेशन ऑफ बेंजीन। चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस SN2 रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 11 में से लिया गया है, राइट टू मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, हाउ फिनोल रिएक्ट्स विद, दो रिएक्शन देने हैं आपने, एक कंसंट्रेटेड हाइड्रो नाइट्रिक एसिड के साथ और दूसरा ब्रोमीन वाटर के साथ। चैप्टर नंबर 12 का अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन कैनिजर्स रिएक्शन। और लास्ट में जो है हमारे पास
चैप्टर नंबर 13 का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी फोर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड विद रिएक्शंस। तो ये चंद क्वेश्चन करके आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।